नमस्कार, हर हर महादेव। भगवान शिव की ये नगरी वाराणसी विश्व की प्राचीन नगरी में एक है। वाराणसी तीर्थों में भी प्रमुख स्थान रखता है। इसे जीवंत शहर कहा जाता है। इसके अलावा वाराणसी को घाटों का और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तभी तो दुनिया भर से लोग यहाँ मोक्ष की प्राप्ति में खींचे चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर विराजमान है। भगवान शिव की ये नगरी ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र है और काशी शब्द का अर्थ भी है प्रकाशमान या रोशन होना, यानी कि ये प्रकाश स्तंभ काशी का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। लोग यहाँ आकर आध्यात्म का जुड़ाव महसूस करते हैं। धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक ज्ञान में रचा बसा काशी आज भी अपने सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजे हुए है। काशी दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है। यहाँ समृद्ध पुरानी कला, संगीत, शिल्प कौशल, दर्शन, आध्यात्मिकता और साहित्य परंपराएं हैं। प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत में विद्वानों की उच्च शिक्षा काशी यात्रा के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। I feel very good about Varanasi. It's really different from Belgium. There are many people. It's already very warm. I'm very surprised. ये मोक्ष की नगरी है। सप्त पुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ जन्म से अधिक मृत्यु आनंदमयी मानी जाती है। यहाँ का स्वामी स्वयं नग्न होकर भी अघर्दानी है। आशुतोष है, महाकाल है, नटराज है। यहाँ के अर्धचंद्राकार घाटों मानो बाबा विश्वनाथ के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा है। माँ गंगा उनके शीश से निकलकर यही महादेव की चरण वंदना करती हैं। जनमानस स्वयं को पवित्र करने के लिए तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और तीर्थ स्वयं को पवित्र करने के लिए काशी आते हैं। वरुणा और असी के मध्य बसे ये नगरी मात्र शहर नहीं है, बल्कि मान्यता है, परंपरा है, इतिहास है, संस्कार है, आनंद है, महाश्मशान है, जहाँ कभी कोई भूखा नहीं सोता, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई अनाथ नहीं होता, क्योंकि अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ यहाँ स्वयं जो विराजमान है। कहते हैं कि बनारस घाटों का शहर है और असी घाट प्रमुख घाटों में से एक है। ये एक जीवंत कैनवास है जो भारतीय संस्कृति के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करता है। असी घाट पर आयोजित जीवंत गतिविधियां और कार्यक्रम वाराणसी की परंपराओं की एक मनोरम जानकारी प्रदान करते हैं। यहां तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पवित्र गंगा आरती जैसे अनुष्ठानों में शामिल होते हैं, जहां नदी में दीपक चढ़ाए जाते हैं जिससे एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य बनता है। मंत्रों का लयबद्ध जाप और कल कल करती माँ गंगा में टिमटिमाती लौ एक अलौकिक वातावरण बना देती है। इस वक्त हम हैं वाराणसी के प्रमुख घाटों में एक असी घाट पर। यहाँ पर अपनी सभ्यता और परंपरा को सहेजने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया गया है सुबह बनारस नाम से। वैश्विक संस्कृति विचारधारा है सुबह बनारस। भारतीय संस्कृति की अक्षुरता का जीवंत प्रतीक है सुबह बनारस। जनमानस को ये संदेश प्रदान करने का प्रयास है कि भारतीय संस्कृति जितनी सनातन है उतनी ही आधुनिक है। वस्तुतः जन्म और मृत्यु के अर्थ को फलस्वरूप अमर अर्थ में पीने का उपक्रम सुबह बनारस है। ये आध्यात्म, संगीत और योग का अप्रतिम समन्वय मात्र कार्यक्रम नहीं, वरन ज्ञान का द्वार है। प्रकृति और मानवीय अस्तित्व के संगात्मक संबंध का दिव्य दर्शन है। मानव कल्याण और विश्व शांति के निमित्त ये समावेश प्रयास है। ऋषि महात्माओं द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म मुहूर्त का नियोजन दिव्य दर्शन है
जिसमें समस्त अनुकूल दैविक शक्तियों का आह्वान विश्व एवं मानव कल्याण के लिए किया जाता है। कार्यक्रम का प्रारंभ मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाता है, उसके पश्चात स्तवन एवं शांति पाठ, तत्पश्चात शंख ध्वनि से स्वागत यज्ञ द्वारा संपन्न प्रदर्शित करते हुए चारों दिशाओं की आरती परक्रम संपन्न होती है। आरती के पश्चात यज्ञ के पूर्णाहुति पुष्पांजलि के रूप में प्रथम सत्र संपादित होता है। इस वक्त सबसे जुड़ चुके हैं सुबह बनारस के संस्थापक और सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी। आइए उसे जानते हैं सुबह बनारस के बारे में। सुबह बनारस एक जागरूकता कार्यक्रम है, भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसको व्यवहार में परिणित करना, यही जो क्रम है वही सुबह बनारस है। ब्रह्म मुहूर्त में आज के कोण में ये माना जाता है कि सारी शक्तियां अपने शुद्धतम रूप में रहती है और हम उन्हीं का आवाहन करते हैं वैदिक मंत्रों के माध्यम से। चित्त जल पावक गगन समीर के पंच तत्व है जिन्होंने सृष्टि की रचना की, प्राकृत की रचना की, हम आप उनके सर्वोत्तम कृति है, तो उन्हीं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो उपक्रम है, जो अनुष्ठान है, वो सुबह बनाने से हमारे ऋषि मुनियों ने जो ब्रह्म मुहूर्त के महात्म को लोगों तक बताया है उसको हम सरल शब्दों में बता सके, इसीलिए हम आरती के माध्यम से स्वागत करते हैं उन शक्तियों का, साथ में यज्ञ करते हैं मानव कल्याण की शांति के निमित्त। उसके पश्चात सुबह का राग, अभी आप देख रहे हैं ये सूर्योदय के साथ सुबह का राग होता है, एक रागात्मक संबंध स्थापित होता है सूर्य और प्रकृति अपनी जगह। ये मानवीय निर्मित पर्यावरण है, हम अपने क्षमता अपनी दक्षता के साथ उनके प्रति कृतज्ञता देंगे कि आपने हमको बनाया, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। यही सारा उद्देश्य है कि अपने भारतीय हिंदुओं को जाने वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को, क्योंकि हम किसी राज को जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बात व्यवहार आचार सल्प से हम लोगों को अपना बना सकते हैं। तो इसका मूल लक्ष्य वसुदेव कुटुंबकम में एकम निडम है, और जो काशी का मूल है कि काश्याम ही काश्य दे काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, तो प्रकाश में सारी चीजें दिखती है। सूर्योदय के साथ हम जो प्रकाश होता है वो ज्ञान का प्रकाश है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से लोग जागृत हो, ये सुबह बनाने से। गंगा आरती ये कोई दृश्य नहीं है बल्कि ये एक आध्यात्मिक समारोह है। गंगा आरती माँ गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रदर्शित करती है।
हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुबह बनारस के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद मिश्रा जी। आइए जानते हैं उनसे इसके बारे में। 24 नवंबर 2014 से सुबह बनारस का यह अनुष्ठान माँ गंगा के आशीर्वाद से अपने अविरलता को प्राप्त होता है। काशी का ये आग्नेय कोण है। काशी के आग्नेय कोण में जब से सुबह बनारस की ये आध्यात्मिक और कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और यहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब से लोक मंगल निश्चित रूप से पूरे भारत में बढ़ता चला गया, अपने उत्थान पर चलता चला गया। यहाँ हम माँ गंगा की आरती करते हैं, हम यहाँ लोक मंगल के लिए यज्ञ करते हैं, हम मानवीय संवेदनाओं मानवीय कल्याण के लिए ये अनुष्ठान आयोजित करते हैं, हम परब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से प्राणी जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, हम उन परब्रह्म परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सुबह बनारस का ये प्रतीक है, सुबह बनारस की ये मर्यादा है, सुबह बनारस की ये गरिमा है, सुबह बनारस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विख्यात हो रहा है। प्रातःकालीन शास्त्रीय संगीत के विभिन्न राग वातावरण को शुद्ध करते हुए सूक्ष्म का अप्रतिम स्वरूप निर्मित करते हैं। मानसिक शांति एवं ऊर्जा हेतु ये कार्यक्रम अत्यंत अनुकूल है। Yeah.
योग शारीरिक, मानसिक और एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग दिमाग और मन को संतुलित बनाए रखने का काम करता है। इसे को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन यहाँ पर योग भी सिखाया जाता है। आइए हम अपनी साधना करें, वही जो निरंतर करते आ रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम आपका है अनुलोम विलोम। ले आइए दाहिने हाथ को नाक के पास, दाहिना नाक का सिर बंद करते हुए ले बाएं से सांस लें और दाहिने से निकालें, पुनः दाहिने से लें और बाएं से निकालें। 3 मिनट का छोटा सा अभ्यास बिल्कुल मनोयोग के साथ कर लें। समय हम देख रहे हैं, अभ्यास अपने आप लगे रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्तिष्क को ऑक्सीजन देने की क्रिया, नीरो और साइको दोनों विकृतियों से मुक्ति प्राप्त करने की क्रिया, नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमें अवचेतन मन से चेतन मन में ले आता है। सुबह में प्रतिदिन योग की क्रिया यहाँ पे बनाई जाती है। आप ध्यान देंगे आज के परिवेश में सबसे बड़ी समस्या है आदमी का स्वास्थ्य स्तर गिरता हुआ, क्योंकि जो हमारा खान पान है वह दूषित है, वातावरण दूषित है। इससे हम बच नहीं सकते। बचने का मात्र एक उपाय है योग का अभ्यास। योग कोरोना काल में भी आपने देखे होंगे, उस समय सारे व्यवस्थाएं हाथ खड़ी कर दिया था और यही बताया गया आप योग करिए, प्राण खोल दीजिए, शरीर में ऊर्जा दीजिए। आज योग बहुत ही आवश्यक वस्तु हो गया है और उसका करना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे निःशुल्क प्रतिदिन योग का अभ्यास कराया जाता है, लाखों लाखों लोग यहाँ पे स्वस्थ होके गए हैं और स्वस्थता प्राप्त कर रहे हैं। आइए जो लोग वज्रासन बैठ सकते हैं बैठ लें। आप करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टि से सबसे उत्तम प्राणायाम भक्ति का प्राणायाम। काशी की गाथा सर्वव्यापी है, तभी तो दुनिया भर से लोग इस टूरिस्ट प्लेस पर घूमने भी आते हैं। जहां यहां पर तीर्थ का स्थान अलौकिक है, तो टूरिस्ट में भी ये सबसे आगे है। इस बीच में यहां असी घाट पर ढेरों पर्यटक आप देख सकते हैं। और हमारे बीच हैं बेल्जियम की 83 वर्षीय एक महिला है, जो कि पिछले 52 वर्षों से योगा से जुड़ी हुई हैं और पिछले 20 सालों से सुबह बनारस घाट पर लगातार वो आ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लगता है, सुबह बनारस में जुड़ के कैसा लगता है। आइए उनसे जानते हैं। We practice yoga now until more than 50 years and I came here with a lot of people who practice with me and everybody is very happy to meet Varanasi, because a lot of people in Belgium speak about Varanasi, but we are not coming. For me, it's not the first time, but I bring people with me because it's very interesting for everybody to meet Varanasi and what happened really. सुबह बनारस एक कार्यक्रम नहीं है, वरन परिस्थिति की संरचना है। सुबह बनारस वाराणसी की परंपरा को सहेजे रखने में मददगार है। तो हमारा आज का कार्यक्रम यहीं तक। कीजिए अनुमति, नमस्कार।